तो यहाँ पर से आया मैं अभी, मतलब वहां पर से ये देखो पूरा घर दिखाई देता है, पूरा अपना पूरा मोहल्ला दिखाई देता है। और आजकल पहाड़ देखो आप लोग चारों तरफ के, इस साइड तो बर्फीले पहाड़, वाह यहाँ तो बर्फ पड़ना स्टार्ट हो गया इस जगह। यहाँ पर से ना ऊपर मधमहेश्वर का टॉप दिखाई देता है, बूढ़ा मधमहेश्वर टॉप दिखाई देता है ये, यह यहाँ पर जो आपको ये छोटा सा बुग्याल दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे इन पेड़ों के बीच में जो ये वाला, तो वहां पे है बूढ़ा मधमहेश्वर टॉप। तो वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, मेरा नाम है ऋतिक नेगी और स्वागत आपका एक और नई वीडियो में इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है। और ये है हमारा एक छोटा सा मोहल्ला जिसका नाम हुआ कांडा। तो आज कुछ ऐसी वीडियो होने वाली है, तो वीडियो में बने रहे और दिखाते हैं आपको। मैं तो मेरे लिए गिफ्ट भी आया था तो वो भी दिखाऊंगा आपको, और साथ में 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, मतलब पहले हो गए थे लगभग, रुद्रनाथ की वीडियोस आ रही थी ना तो तभी कंप्लीट हो गए थे, बट ऐसा हुआ कि मैं वो वीडियो डालने ही पे रहा, तो मैंने सोचा एक बारी वो सीरीज पूरा कंप्लीट करता हूँ उसके बाद ये वाली वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पता है इस लोकेशन में आके ना, मतलब हमेशा जब भी मेरी लाइफ में, मतलब ऐसा होता है कि जब मैं यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग इस जगह से किया है, ज़्यादातर मैंने वीडियो इसी जगह से बनाई है, तो कुछ भी अब अचीवमेंट होती है ना मेरी यूट्यूब चैनल पे, या सब्सक्राइबर कभी इंक्रीज हो जाते हैं, या जो जो माइलस्टोन में रखता हूँ कि 500 सब्सक्राइबर हो गए होंगे, तो वो मैं यहीं पे सेलिब्रेट करता हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को 2K कराने के लिए, थैंक यू सो मच। और उस टाइम पर मैं ना एक रुद्रनाथ के ट्रैक पे था, तो उसी टाइम पे मेरे 2K हो गए थे, मुझे पता भी नहीं चला था। जब मैं घर आया उसके बाद पता चला मेरे को कि मेरे 2K सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू, इट्स रियली मीन्स अ लॉट। और वो जो रुद्रनाथ सीरीज थी उसके, मतलब उस पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने भी अभी रुद्रनाथ सीरीज नहीं देखी है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारे एपिसोड की, या प्लेलिस्ट की दे दूंगा मैं आपको, तो आप जाइए देख सकते हो, बहुत ही प्यारा रहा वो वाला ट्रैक, बहुत ही अच्छा। और साथ में ना मेरे लिए कुछ आया भी था, बहुत दूर से आया था मेरे लिए गिफ्ट, एक टी शर्ट आई थी, तो मेरे लिए एक गिफ्ट आया था, वो भी मैंने दिखाना था कि क्या आया है, तो उसको दिखाते हैं पहले। तो ये देखिए, ये था वो गिफ्ट जो बहुत दूर से आया था, जब मैं रुद्रनाथ गया था ना उससे लगभग 5-6 दिन पहले मेरे पे ये गिफ्ट आ गया था। बट कुछ मतलब ऐसे था कि मेरे को फिर उसकी प्रिपरेशन भी करनी थी, तो वो वाली वीडियो ना आई ही नहीं, उसके बीच में और सब आ गई थी। तो बहुत ही प्यारा यार, कसम से ये गिफ्ट देख के ना एक अलग ही लेवल का, मतलब ऐसे होता है कि मज़ा आ जाती है यार, ऐसा देख के लोगों का अप्रिसिएशन मिलने के बाद ना बहुत ही अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। हम उनको प्यार से बुआ जी बोलते हैं। तो ये आया था, ये पता है 3-4 लोगों के लिए गिफ्ट आया था, मेरे लिए आया था, कूल पहाड़ी के लिए आया था, और ऋषु के लिए भी उन्होंने गिफ्ट भेजा था, और साथ में कूल पहाड़ी का भाई है विकास, तो उसके लिए आया था, अनुज के लिए आया था। तो देख सकते हो बहुत ही दूर से आया है, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू, इट्स रियली मीन्स अ लॉट, बहुत ही बहुत बहुत ही बड़ा वाला थैंक यू आपको ये गिफ्ट आने के लिए। और ये आया था वैसे अंशु चाचा है ना उनके एड्रेस पे आया था, तो उसके बाद उन्होंने मुझे दिया, और आज आके ना मैंने सोचा था कि मैं इसका 2K पे ना अलग सी वीडियो बनाऊंगा और उस पर बता दूंगा कि मतलब ये चीज हुआ है। तो ये देख सकते हो इतना प्यारा गिफ्ट भेजा था मेरे लिए, तो भाई बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये, तो थैंक यू सो मच। आपके परिवार पे मधमेश्वर बाबा की हमेशा कृपा रहे, तो रियली मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ गिफ्ट मैंने फर्स्ट टाइम रिसीव किया है, तो काफ़ी अच्छा फील हुआ। जिस टाइम पे आ गया था ना मेरे को, तो उसी टाइम पे मैंने सोच लिया था कि वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मतलब कुछ उस टाइम पे तो हुआ नहीं, बट मैंने ये सोचा फिर उसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि भाई जब 2K कम्प्लीट होंगे ना उस टाइम पर दिखाऊंगा उसको। और अभी मैंने पहनी भी नहीं थी ये, एकदम पैक किया हुआ था इसको, और आज मैंने दिखाया। और बाकी ना वीडियो इसलिए भी नहीं आ पाई क्योंकि कुछ हो भी गया था घर में, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो को थोड़ा बाद में करते हैं। मतलब जो ये वाली वीडियो थी ना, जो रुद्रनाथ सीरीज थी, वो पहले की वीडियो बनाई हुई थी, वो बीच में अपलोड करता रहा मैं, एक एक दिन में, दो दिन में, तीन तीन दिन में उनको अपलोड कर ही रहा था,
लेकिन अब मैंने सोचा है कि कुछ पहाड़ी लाइफस्टाइल वीडियो अब आती रहेंगी चैनल पे कभी ना कभी। मतलब अब ऐसा है कि अब फिलहाल टाइम मिल गया है फिर से वीडियो बनाने का, लगभग दीपावली तक, लास्ट जो मतलब 11 दिन या 12 दिन बाद दीपावली आते हैं ना, तब तक का टाइम है। तो उसके बाद फिर हम भी क्या पता कॉलेज के लिए निकल जाएंगे नीचे श्रीनगर के लिए। तो फिलहाल तब तक के लिए तो वीडियो आती रहेंगी, तो बस यही चीज़ बोलनी थी। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को वंस अगेन 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए। तो बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना अपना। और भाई इस जगह पे मज़ा आ जाता है यार, यहाँ पे ना काफ़ी प्यारा सा सीन रहता है, एकदम हवा चलती है और पूरा पीछे साइड तो अपना पूरा छोटा सा मोहल्ला दिखाई देता है, तो भाई गजब का मज़ा आ जाती है इस जगह पे। तो यही चीज़ बोलनी थी मुझे और साथ में ये चीज़ दिखानी थी आपको। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों का जो भी मतलब चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं फर्स्ट से और लास्ट तक, तो थैंक यू सो मच और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। तो अभी तो शुरुआत हो रही है चैनल करने की, आज तो मैं वहाँ से आया, वैसे भी मैंने सोचा था कि यहीं पे आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो वो तो अभी तो ये चीज़ हो गया और मेरे साथ साथ में आया था यहाँ पे सोनू अपना छोटा भाई, वो इसी ने पहनी थी RTK ब्लॉक्स वाली टी शर्ट क्योंकि इस पर ये पूरी आ रही है, छोटा है ना तो इस पर ठीक आ रही है। तो इसके बाद अब चलते हैं घर की तरफ क्योंकि भाई देखो धूप भी लग रही है और मैंने टोपी इसलिए रखी क्योंकि बाल बने हुए हैं ना पूरे, तो टोपी रखी ना बिल्कुल नहीं। और ये देखो आजकल भाई आजकल तो सारी जितनी भी हमारी फसल थी ना वो निकालने का टाइम हो गया, लगभग जो मंडुआ था वो भी निकाल दिया लोगों ने और जो भी रामदाना था पीछे देख सकते हो आप ये यहाँ पे, ये देखो ये जो छूट रखा है ना, तो यहाँ पे रामदाना की खेती थी तो उसको भी निकाल दिया लोगों ने, घर ले गया उसको। तो बाकी चलते हैं और दिखाते हैं आज क्या क्या होता है बेसिकली आज के दिन में। तो चलते हैं पहले तो यहाँ से, और यहाँ देखो इस रास्ते से तो हमेशा ही जाना पड़ता है यहाँ पे आगे, तो यहीं से चलते हैं। ये देखो आजकल पूरे जितने भी खेत है ना सबके लगभग यहाँ पे धान बोई थी तो वो भी निकाल दिया है, ये देख सकते हो। और सामने आजकल अब टाइम होता है हल लगाने का, तो अब इसके बाद यहाँ हल लगाया जाएगा इन खेतों पे, ये देखो आप। और ये सामने का व्यू, और कहीं कहीं जगह तो ये देख सकते हो नीचे कहीं कहीं ना अभी ये वाला जो मंडवे का जो घास वाला पार्ट रह जाता है ना वो भी नहीं निकाला है, ये देखो। तो इसको भी अब कुछ टाइम पे इसको भी निकालते हैं, घास के लिए इसका यूज होता है ज़्यादातर, गाय को दिया जाता है तो इसको भी निकालेंगे अब। और ना यहाँ पे मस्त सी छाँव, ये देखो यहाँ पे, और ये पीछे देखो बड़े बड़े कद्दू लग रखे हैं ऊपर साइड, तो इस वाले पेड़ के यहाँ पे हमने लगाए थे कद्दू, तो वो भी देखो अब तो पूरे पीले हो गए हैं, एक टाइम था जिस टाइम पे हरे अच्छे खासे थे अब पूरे पीले ही हो गए हैं। और हल दिखाओ कल के लिए, देखो हल भी तैयार हो गया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हल भी तैयार है कल के लिए। तो यहाँ देखो शाम का टाइम हो गया है और धूप भी देखो अब जाने वाली है लगभग, और पहाड़ पे धूप है अब, यहाँ से हमारे घर से तो धूप चली गई है। और ये देखो जो चौक में रखा हुआ था ना, ये देखो ये दाल हो गया, ये सोंटे हो गया, और यहाँ पे ये है रामदाना, ये देखो ये होती इसकी भी रोटी बनती है, इसको पीस करके इसकी रोटी बनती है, ये हो गया। और ये वहाँ पे देखो जिससे दाल निकलते है ना वो छिकल देखो वो पूरा वहाँ पर इकट्ठा कर रखा है। और यहाँ चौक के नीचे साइड ना यहाँ पे लगा रखे हैं प्याज, और ये देखो यहाँ पे तो अभी उसका बीज रजाया हुआ है लेकिन यहाँ पे देखो ऐसे लगाया जाता है कुछ ऐसे, ये देख सकते हो। और ऐसा है ये नीचे, ये देखो आजकल ये देखो हमारा शिंटू देखो शिंटू हाँ जी, शाम का कुछ ऐसा प्लान बना था हमारा कि मार्केट जाने का, बट वो हो नहीं पाया, कुछ काम पड़ गया था घर में तो इसलिए नहीं जा पाए हम लोग, बट
थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को वंस अगेन 2K करने के लिए, और भाई और उस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपको अगली किसी पहाड़ी लाइफस्टाइल वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए और देखते रहिए पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।